अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी, उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लेरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई है, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों की, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा, इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर, उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। My friends are smiling, but they are also scared. They are scared. Sir, मैं आ रहा हूँ सर। आप बजट, ये सर बजट पे बोल रहा हूँ सर। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इस चक्रव्यूह ने क्या किया, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, GST और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है, तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, GST से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार होता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण, और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी, और ये शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा, और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं, देखिए बेरोजगारी है,
मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है। बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनके पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उसके बाद सर, जो अन्नदाता है वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो मांग रहा है लीगल गारंटीड एमएसपी। हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान है जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी। मगर आपने नहीं किया, तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी, दोनों ने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया, तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की, वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया, वो छाती में छुरा था। ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञान ही है। सर, A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। ये तो जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स है, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर, इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते,
तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। संसदीय कार्य मंत्री जी, प्लीज आई एम नॉट यील्डिंग। नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो।